नीचे झगड़ा हुआ, उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। दिल्लीतील सुलतानपुरी कंझावाला दुर्घटनेच्या पोलीस चौकशीत नवीन माहिती समोर आली आहे। पीडित तरुणी आणि तिची मैत्रीण रात्री एका ओयो रूम हॉटेलात थांबल्या होत्या, त्यावेळी दोघींमध्ये वादावादी झाली। रूम में रुके थे 104 में। 104 जी। अच्छा, पहले भी कभी आप उनको देखा हो शूटिंग में? हां जी देखा। अच्छा, लड़के के झगड़ा कर दी थी ऐसा कुछ तो सामने आया? नीचे झगड़ा हुआ उनका, लड़कियां 11:30 बजे एक 30 पे गई हैं, 1:15-1:30 पे करीब गई हैं। जो सुनने में आस पड़ोस में लड़कियां ऐसी गाली निकाली तो पक्का नशे में ही थी, एक दूसरे को गाली निकाल रही थी। दोघी तरुणी नशेत असल्याचं त्या हॉटेलातील स्टाफ ने म्हटलंय। वो आए थे अपना चेक इन लिया, 7 बजे के बाद ही आए थे वो। हाँ, फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी, हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। हॉटेल बाहेर पडल्यानंतर दोघींमध्ये वाद झाला, पण पुढे त्या दोघीही तिथून निघून गेल्या आणि त्याचं सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागलंय। तरी आता पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्या रात्री हॉटेलात उपस्थित असलेल्या 2 तरुणांना ताब्यात घेतलंय। दोघांच्या चौकशीतून तरुणींमध्ये झालेल्या वादाची माहिती कळू शकेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय। तरी शनिवारी मध्यरात्री 3 वाजताच्या सुमारास दिल्लीच्या सुलतानपुरी कंझावाला परिसरात रस्त्यावर एका कारने तरुणीला 12 किलोमीटर पर्यंत फरफटत नेलं होतं। या कारमध्ये 5 तरुण होते। या घटनेत जखमी झालेल्या तरुणीचा मृत्यू झाला होता। तरी आता दिल्ली पोलीस संबंधित तरुणीचा जबाब नोंदवून पुढील तपास करतायत।